प्रोग्राम्स ऑन नेस्टेड लूप पार्ट 3। तो हाँ स्टूडेंट्स, ट्यूटोरियल 31 में हम लोग प्रोग्राम ऑन नेस्टेड लूप पे फिर से देखने जा रहे हैं, और इसमें हम लोग बेसिकली दो प्रोग्राम्स देखेंगे और दोनों ही रिलेटेड है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक प्रोग्राम सीरीज प्रिंट करेगा और दूसरा प्रोग्राम सीरीज के सम को प्रिंट करेगा। तो दोनों प्रोग्राम्स बहुत सिमिलर टाइप ऑफ प्रोग्राम्स हैं, और ये भी एक केस है जिसको हम लोग नेस्टेड लूप से डील करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामिंग परसेप्शन। मैं अमित कुमार, आप सभी लोगों का ब्लू जे फॉर 10th के 31st ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। और आज के ट्यूटोरियल में, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग नेस्टेड लूप के ऊपर एक और प्रोग्राम देखने जा रहे हैं। मगर उससे पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, ताकि आप तक नोटिफिकेशन समय से पहुंचे। और वीडियो आपको कैसे लगती है इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ना पसंद आने पर अनलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल और देखते हैं कि कैसे हम लोग सीरीज को डील करते हैं नेस्टेड लूप। बेसिकली सारे सीरीज नेस्टेड लूप से डील नहीं होते, बट इस तरह की सीरीज जिसके अंदर हम लोगों को हर एक टर्म को ऑब्टेन करने के लिए फिर से लूप रन करना पड़ता है। यानी एक लूप तो रन होता ही है डेफिनेटली इंडिविजुअल टर्म के लिए, यानी हर एक टर्म के लिए लूप काउंटर चाहिए हमको, तो एक लूप हर एक टर्म के लिए चाहिए। और अगर टर्म भी कुछ ऐसा है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, हर एक टर्म में 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial ऐसे फैक्टोरियल्स पूछे गए। अगर टर्म ही कुछ ऐसा है जिसमें आपको और ज़्यादा लूपिंग की ज़रूरत है, हर एक टर्म में फिर से लूपिंग की ज़रूरत है, तो हम उसको डेफिनेटली नेस्टेड लूप से डील करते हैं। चलिए इस प्रोग्राम को करते हैं। बेसिकली इसके लिए मैं दो मेथड बनाऊंगा, एक प्रिंट करेगा और एक सीरीज के सम को प्रिंट करेगा। तो प्रिंट सम सीरीज, ओके, सो ये क्लास है प्रिंट सम सीरीज, एंड इस क्लास के थ्रू हम ये काम करने जा रहे हैं। अब प्रिंट सम सीरीज क्लास के अंदर हम ये काम कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। बेसिकली मैं इसको कोई API क्लास की तरह बनाऊंगा, कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं बनाऊंगा। तो इसके अंदर दो मेथड होंगे, एक होगा प्रिंट सीरीज, एक सम सीरीज, एंड लेट्स सी। तो पहला मेथड पब्लिक वॉइड प्रिंट सीरीज, बेसिकली सीरीज फिक्स्ड है। अगर आप देखें तो इसमें बेसिकली सीरीज के अंदर जो चीज़ होने वाली वैल्यू है वो n है, तो मैं इसी n को एक्सेप्ट कर रहा हूँ एज पैरामीटर, राइट? तो फाइन, अब हम देखते हैं प्रिंट सीरीज के लिए हमको सीरीज प्रिंट करना है अप टू n। और अगर मैं सीरीज के पैटर्न को देखूँ, तो 1/1 factorial, 2/2 factorial, तो एक आउटर लूप काउंटर चलेगा जो 1 से लेकर n तक चलेगा डेफिनेटली, राइट? एंड यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक है, इट शुड बी n/n factorial, राइट? शुड बी n/n factorial, सो दैट इज़ द मिस्टेक। तो खैर, एक लूप चलेगा जो 1 से लेकर n तक चलेगा, तो पहले उस रूट को रन करा लेते हैं, लेस देन इक्वल्स टू n एंड i++, ओके, i की वैल्यू आ गई। i की हर एक वैल्यू एक्चुअली इसी से हम टर्म ऑप्टेन करेंगे, तो हमारा जो टर्म होगा वो टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कंपोज होगा, राइट? सो न्यूमरेटर ऑटोमेटिकली, मैं उसको num लिख दे रहा हूँ, हमारा आई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिनोमिनेटर आई का ही फैक्टोरियल है, सो डिनोमिनेटर निकालने के लिए मैं den नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ और इसमें 1 इनपुट कर रहा हूँ, और ये फॉर लूप रन कर रहा है, ठीक है? एक और फॉर लूप रन कर रहा है ये फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए, इसमें मेरे को j लेना पड़ेगा, i ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, j इज इक्वल्स टू 1 से j इज लेस देन इक्वल्स टू i तक, एंड j++, और इसमें बस एक काम होगा कि den जो वेरिएबल मैंने क्रिएट कर रखा है इसमें मैं फैक्टोरियल स्टोर करने वाला हूँ, इसमें मैं j को मल्टीप्लाई करूँगा, राइट? सो सपोज i की वैल्यू 3 है, तो j 1 से लेकर 3 तक चलेगा, और 1 फिर 2 और फिर 3 मल्टीप्लाई करेगा den में। den बाय डिफॉल्ट 1 स्टोर कर रखा है, तो डेफिनेटली एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, den की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। अब लूप के बाद आपको टर्म ऑब्टेन करना है, एंड टर्म इज नथिंग बट num बाय den, सो यू कैन सिंपली टाइप इट, यू कैन सिंपली प्रिंट इट, और यू कैन क्रिएट अ टर्म वेरिएबल एज वेल। तो मैंने टर्म वेरिएबल बना लिया num बाय न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर ऑब्टेन करने के लिए, एंड मुझे बस इसको प्रिंट करना है, तो system.out.print, ओके, टर्म ने प्रिंट कर दिया, ओके, एंड टर्म के बाद हम एक कॉमा दे देंगे ताकि सारे टर्म्स कॉमा सेपरेटेड रहे। फाइन, हियर यू गो, सो प्रिंट सीरीज मेथड तैयार है, इसको आप कंपाइल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप रन करके भी देख सकते हैं, बट ज़रा मैं सम सीरीज भी तैयार कर लूँ, सम सीरीज, सम ऑफ सीरीज,
ज़्यादा चेंजेस नहीं करने क्योंकि सेम सीरीज हम लोगों ने उठाई है, ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं। हम सम ऑफ सीरीज इसको नाम दे दे रहे हैं, सम ऑफ सीरीज। एंड यहाँ पे क्योंकि हमको एक सम चाहिए तो मैं एक सम नाम से वेरिएबल क्रिएट कर ले रहा हूँ, इसी में मैं टोटल सम स्टोर करूँगा। और सिर्फ डिफरेंस ये आएगा कि हम लोग प्रिंट करने के बजाय जो टर्म है उसको स्टोर कर लेंगे। पॉइंट आप अगर डेसिमल पॉइंट में वैल्यूज चाहते हैं तो डेफिनेटली आप डबल या फ्लूट लेकर के चलें। तो मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इसी काम को करने के लिए। यहाँ पे मैं डबल ले रहा हूँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड ऑफकोर्स द टर्म, ठीक है। वैसे आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटीजर भी रखें कोई दिक्कत नहीं, आप टर्म को डबल ले लीजिए, दिस विल ऑल्सो डू द नीडफुल। एंड यहाँ पर ऑपरेशन करने के वक्त इनमें से किसी एक को नंबर या डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को डबल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये जो एक छोटी सी चीज़ मैंने की है इसको एक्चुअली मैं यहाँ पे भी रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर डिवीजन के बाद हमको डेसिमल पॉइंट्स मिलेंगे। सो हमारे दोनों मेथड तैयार हैं, एक मेथड प्रिंट कर रहा है सीरीज़ को और एक मेथड के सम को प्रिंट कर रहा है। और देखिए दोनों में नेस्टेड लूप है, इनर लूप फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए, आउटर लूप हर एक टर्म के लिए। सो क्वाइट गुड राइट। सो अब इसको कंपाइल करते हैं एंड रन कराते हैं। तो कंपाइल हो चुका है, चलिए रन कराते हैं। ओके अब मैं प्रिंट सीरीज मेथड को कॉल कर रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड मैं पास कर रहा हूँ 5 सपोज। सो दिस इज द वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू विल बी 1.0, सेकंड विल आल्सो बी 1.0, थर्ड विल बी 0.5, क्योंकि 3 के अगर फैक्टोरियल की बात करें डेट इज 6, सॉरी 3 की अगर बात करें तो इट इज 3 इटसेल्फ, और अगर फैक्टोरियल की बात करें डेट इज 6, और 3/6 इज 0.5, डेफिनेटली इट्स ट्रू। एंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वैल्यूज़ जो हैं डेसिमल पॉइंट के बाद काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं, ठीक है। इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग फॉर्मेट कर सकते हैं, मगर वो आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप इतना भी कर रहे हैं तो डैट इज़ 100% करेक्ट। ओके लेट्स ओके मैं अगर प्रिंट सीरीज ही प्रिंट करता हूँ 3 तक तो सीरीज़ काफ़ी छोटी रहती है, मीनिंगफुल वैल्यूज रहती है, तो सम पता करने में आसानी रहेगी। सॉरी मुझे वैल्यू पास करनी, सो लेट्स पास 3, तो इट्स 1 1 0.5। अगर मैं इनका सम करूँ तो डेट इज़ 2.5। तो मैं अगर सम ऑफ सीरीज कर रहा हूँ और 3 पास कर रहा हूँ तो मेरी वैल्यू आनी चाहिए 2.5। एंड शायद प्रिंट हो गया होगा, ओके मैंने प्रिंट नहीं किया क्या? ओके फाइन, मैंने सम को प्रिंट ही नहीं किया, सो दैट सम मिस्टेक। आप लूप के बाद यहाँ पे सम को प्रिंट जरूर कीजिए, ओके। तो है यू, आप चाहो तो साथ में प्रिंट कर सकते हो, सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ द सीरीज इज इक्वल्स टू, एंड है यू। एंड इसी तरह से आप चाहो तो इस सीरीज को प्रिंट करने से पहले आप प्रिंट कर सकते हो सीरीज इज एज फॉलोज। सो हमारे दोनों मेथड तैयार है, एक फाइनल आउटपुट देख लेते हैं एंड लेट्स सी। पास कर रहे हम लोग 3 एंड फाइनली हम इसी तरह से सम भी प्रिंट कर ले रहे हैं, पास करते हैं 3 एंड इट्स। सो अब यहाँ पे एक छोटी सी गलती और है, वो ये है कि हम टर्म तो डबल ले रहे हैं, सम हमने इंटीजर रखा है, इसको भी आप डबल कर लीजिए एंड इट विल बी ओके। सो ये आपका प्रोग्राम रेडी है और आपको अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करके कैसे आप पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं, नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करके कुछ स्पेशल नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए हम कर सकते हैं या रेंज ऑफ नंबर्स में काम कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली इसका इस्तेमाल हम लोग सीरीज क्वेश्चन के साथ कर सकते हैं। ये बेसिकली 3 तरह के क्वेश्चन नेस्टेड लूप से आते हैं, इसके अलावा नेस्टेड लूप का हम इस्तेमाल करते हैं एरेज में भी। तो चलिए अब आगे जब ज़रूरत पड़ेगी उनकी नेस्टेड लूप को हम इजीली इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस पर कंट्रोल हासिल करने के, इस पर कमांड हासिल करने के लिए आप पैटर्न प्रिंटिंग के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए बात करते हैं हम लोग के नेक्स्ट एक्सरसाइज की, एंड जस्ट वेट अ सेकेंड फॉर द इंटरप्शन। सो हियर यू कैन सी आपके सामने आपका एक्सरसाइज 12 है, इसको आप सॉल्व कीजिए और इसका सोल्यूशन आप नीचे लाइक करके वीडियो को कमेंट के तौर पर दे सकते हैं। सो डेफिनेटली मैंने पिछले एक्सरसाइजेस के विनर्स के प्राइजेस अलॉट करने थे एंड वो अलॉटमेंट हो गई है एंड दे विल सून गेट देयर प्राइजेस। एंड कल मैंने संडे को कोई प्राइज अनाउंसमेंट नहीं की ड्यू टू सम रीज़न, आपको मैं जल्दी ही बताऊंगा। एज आई सेड इस मंथ के एंड तक मैं आपको सारे रीजंस दूंगा क्या हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है और किस वजह से मैं आज आपको अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा हूँ। बट टिल देन आप लोग
ट्यूटोरियल देखते रहिए, कंटिन्यू रहिए, एक्सरसाइज का आंसर कीजिए, अब आपके प्राइजेस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे. सो दैट्स इट फॉर टुडेज ट्यूटोरियल. होप टू मीट यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल. टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी प्रोग्रामिंग.